तुम लोग भी सोच रहे हो कि तुम लोग किस तरीके से आईपीएल ऑक्शन खेल सकते हो इस माली मेरी फेवरेट गेम के अंदर, यानी कि डब्ल्यूसीसी 2 के अंदर आईपीएल ऑक्शन कैसे खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में बताऊंगा तुम लोगों को आज के इस पूरे वीडियो में। आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, ऑक्शन खरीदो भाई। मैं तो आरसीबी में एक चीज खतरनाक टीम बनाने वाला हूँ, तुम लोगों ने सोची नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आईपीएल ऑक्शन के ऊपर होने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता है ये ऑक्शन बिल्कुल पैसे में होता है, जैसे कहाँ मिलता है लोग कहते हैं कहीं कहाँ है ये ऑक्शन वगैरह, देखो थोड़ा सिस्टम इनका अलग बैठता है। सबसे पहले टूर्नामेंट्स में आ जाओ भाई, यहाँ पर तुम लोगों का आईपीएल खुला होना चाहिए, जो एनपीएल 2023 दिख रहा है ना तुम लोगों को, इसको खुला होना चाहिए। जब ये तुम्हारे पास खुला होगा तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पर तुमको हर चीज़ सिखाई जाएगी। देखो वॉलेट तुमको कहते हैं, तीन प्लेयर आपको लेने हैं, इतने में ये सब आपको सिखाएगा। तो ये सब आप लोगों को डन करना है क्योंकि अपने सब पढ़े लिखे हैं। टीम चुन लो जो भी आपको चुननी है, लाइक मुझे आरसीबी चुननी है तो मैं आरसीबी चुनता हूँ। ये कब मिलेगा आप लोगों को, मिलेगा 80 करोड़ फॉर आईपीएल ऑक्शन भाई। ऑक्शन के लिए 80 करोड़ रुपये मिलेंगे आप लोगों को, 399 रुपये दे दो इनको और आईपीएल ऑक्शन खोल लो। ठीक है, अब मुझे पता तुम लोग ये कहोगे भाई यार कैसे मजाक करो यार, इतने रुपए होते तो हम नहीं खरीद लेते भाई। पर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, फ्री में कैसे बताता हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि फिर तुम लोग इस वीडियो में खोने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, मैं तुमको अपनी स्टोरी बताता हूँ, बैकअप द माई स्टोरी। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मतलब ये समझ लो तुम ये गेम्स पर लगाने के लिए मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है गाइस कि मैं तुम लोगों से क्या ही कहूँ भाई। मेरे पास पैसा इतना भी नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूँ भाई, करियर मोड भी खरीद सकूँ, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि भाई देखो यहाँ पर मैं खरीदने जाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास नहीं चलता भाई, सिर्फ एनपीएल भी खरीदने जाऊँगा ना ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो कैसे होगा यार, फिर मैं कैसे खरीद लूँगा यार इसको, मुझे तो खेलना है भाई किसी भी हालत में आईपीएल ऑक्शन खेलना है इसमें। तो पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को देसी जुगाड़ जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ वो जाएगा। सबसे पहले कोई एक मैच पर आते हैं, नो कर लेता हूँ क्योंकि पिछला वाला मैच जो मैं खेल रहा था उसको अपनी हेड खेलूँगा। 20 ओवर चुनता हूँ एंड आई चूज इंडिया ही, और सामने रख लेते हैं चलो जैसे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो तुम लोग इजी मीडियम हार्ड जो रखते हो रख लेना, जर्सी कलर्स पे आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसको रेड चूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ आर सी बी कलर इज रेड। अभी रुको, तुम लोग ये मत सोचना कि यार तुमने क्या ही कर रहे हो तुम। ठीक है, पैटर्न कलर में आके ब्लैक चूज कर लेना। ठीक है, ठीक है, और SSS कलर में आके ब्लैक चूज कर लेना। ठीक हो गया काम, इसके बाद डन कर लो। इसके बाद तुम लोग अपने महंगा सा ग्राउंड चूज कर लेना। देखो मैं तुमको बताऊँ, अगर तुम लोग बेंगलुरु ले रहे हो, बेंगलुरु टीम क्रिएट करना चाहते हो, तुम लोगों को कौन सा ग्राउंड लेना चाहिए। तुम लोग पलटो पलटो भाई पलटो, मैं तो भाई महंगे महंगे ग्राउंड में खेलना पसंद करता हूँ। और तुम लोगों को कौन सा लेना चाहिए, या तो तुम लोग हरारे में खेल लो, चेन्नई में खेल लो भाई, चेन्नई मेरे हिसाब से सही रहेगा। चलो चेन्नई रख लेते हैं। उसके बाद पिच को कर लेते हैं थोड़ी सी डेड पिच। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसको लेते हैं डन एंड दिस टाइम गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टीम को करने वाले हैं क्रिएट। ठीक है, अब आईपीएल ऑप्शन के लाइक तो हम पे पैसे नहीं है, पर हम पे देसी जुगाड़ तो है ही। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत देर लगेगी पर मजा आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं फेफ डू। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग कप्तान बनाने वाले हैं अपनी टीम का। कहाँ अभी कप्तान, ठीक है, एंड साथ में इनके क्रिस गेल तो भाई अब नहीं है, तो अपने जो भी ऑप्शन रखना आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ विराट। ठीक है, राइट हैंड भाई, राइट हैंड यार, लेफ्ट हैंड क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग भाई तीसरे पे विराट कोहली नहीं रखने हैं, तीसरे पे आपको जो रखना आप रख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं तो रख रहा हूँ मैक्सवेल को। ठीक है, ठीक है यार, ये बॉलर है लेकिन, ठीक है, अच्छा बॉलर है, तो ये बॉलर टाइप है इसका ऑफ स्पिन। ठीक है, एंड तीसरे पे आते हैं मिस्टर AVD मेरे फेवरेट। ठीक है, चौथे पर धोनी, भाई धोनी नहीं रह सकते RCB में, कैसे रख लोगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रख देते हैं रजत पाटीदार। ठीक है, रसल की जगह हम लोग टीम में रख रहे हैं अब, क्योंकि रसल तो हम नहीं रख सकते, तो RCB में टीम में हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग रख लेते हैं क्या उस प्लेयर का नाम भाई, विजय कुमार बिशक को रख लूँ क्या, नहीं भाई केदार दमदार यादव, मीडियम फास्ट नहीं भाई लेग स्पिन। और भाई बाकी सब तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, बस मैं यहाँ पर एक बदलाव करता हूँ, मोहम्मद आमिर, क्योंकि भाई RCB में आमिर नहीं होगा, मेरी बेस्ट 11 को चेंज कर रहा हूँ तुम लोगों की वजह से। मैं यहाँ पर स्टार्क को रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी मोहम्मद शमी वगैरह मैं टीम को ऐसी रखती हूँ, तो मेरे ऑप्शन में मैंने ये टीम बनाई है, सुनील नारायण भी मैंने इस टीम में रखा। इस बार मुझे इनको ये कॉइन वॉइन देने होंगे, इनसे कह देता हूँ मैं, चलो देखे आता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पर बस इसको चूज़ कर लेते हैं एंड भाई शुरू करते हैं ये मैच। RCB बस CSK का है यार अब तो, और जब भी तुम लोग ऐसा गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उस पर हैशटैग देसी जुगाड़ टैकी बाबू लिख देना, इससे मैं भी तुम लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग विराट कोहली और फैफ डी प्लेसिस को बैटिंग पर उतार रहे हैं भाई साहब, मतलब मजा आने वाला है। फैफ के साथ विराट और भाई साहब बॉलिंग कौन डाल रहा है, एस्टन है भाई साहब। ये हुई ना शॉट भाई, आरसीबी के मैच की शुरुआत ऐसे कर दिया है। अब देखो ये वाला मैच अगर तुमको पूरा देखना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो सिर्फ ऑप्शन से रिलेटेड था, इसलिए पूरा मैच तुमको खेल कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो यार, अगर मैं पूरा मैच खेल गया तो फिर मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और तुम लोग भी कहोगे फिर यार कि भाई क्यों यार हमको पूरा मैच देखना, तो क्यूरियोसिटी जगह अपने अंदर सब्सक्राइब करो। जब बोलना थे अगली वीडियो में, बाय बाय।